हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर मैथ की क्लास की बात करें तो दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी आपकी, दो वीडियो हमने आपके लिए प्रोवाइड कर चुके हैं जिनमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। आज जो क्लास है दोस्तों, आज है नंबर सिस्टम की क्लास नंबर थ्री। तो दोस्तों, इसमें क्या बात करेंगे, आज जो बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे संख्याओं के विभाज्यता के नियम। किसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों? विभाज्यता के नियम, अर्थात दोस्तों कौन सी संख्या किस संख्या से कट सकती है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों आज। तो दोस्तों देख, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन संख्याओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इनसे कौन कौन सी संख्या किस प्रकार से कटती है, क्या नियम लगता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यदि हम 2 से डिविजिबिलिटी की चेक करें, यानी 2 से हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या इससे डिविजिबल हो जाती हैं, 2 से डिविजिबल हो जाती हैं या विभाज्यत हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें हम बात करें, जिस संख्या के अंत में यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर ये उसके पीछे अंक हैं, अंतिम अंक हैं, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे 7, 3, 2, यदि इस संख्या को हम काटना चाहें 2 से, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है, यानी कि ऐसे देखेंगे कि लास्ट में इनमें से कोई है, या ये देखेंगे ये 2 से कट रहा है, तो पूरी संख्या आपकी जो है कट जाएगी। आगे बात करें, कुछ संख्या ये ले लेते हैं 8, 1, यदि इसे भी लेंगे, यदि इसे देखेंगे 2 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। और दोस्तों ले लेते हैं 0, ये 2 से कटेगा, तो यहाँ देखिए 0, यहाँ पे बताया गया है कि 0 होनी चाहिए संख्या के अंत में, तो यहाँ पे 0 है, तो इसलिए 2 से डिजेबल हो जाएगा। इसलिए ऐसी संख्याएं 2 से डिजेबल हो जाती हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि आता है। तो दोस्तों ये समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से आपका कट जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपका टेट, सी टेट, यू पी टेट या बी एड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे कि दोस्तों संख्या दे दी जाती है, जैसे कि 8, 3, 4 और 2, और यहाँ पे स्टार लगा दिया, तो यहाँ आपसे पूछेगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या लिख के, यहाँ कौन सी छोटी संख्या लिखें, छोटी से छोटी संख्या लिखें जो 2 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए या डिजिबल हो जाए। तो सबसे दोस्तों यहाँ देखेंगे तो सबसे छोटी जो आएगी वो 0 आएगी, ना कि आगे 2 आएगी, क्योंकि दोस्तों सबसे यहाँ छोटी संख्या 0 ही होगी और ये पूरी संख्या डिजिबल हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों के बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। उससे पहले हम सभी जो संख्याएँ हैं 1 से 2 से लेकर लगभग 11 तक सबके डिजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। आगे ले लेते हैं संख्या नंबर 3। 3 की यदि हम बात करें, 3 ऐसी संख्याओं को डिजिबल करता है, तो 3 ऐसी संख्याओं को डिजिबल करता है जिनके अंकों का योग 3 से डिजिबल हो जाए, वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिजिबल यानी विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि बात कर लेते हैं, एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 21 यानी 21, तो इन दोनों अंक, या इसमें एक अंक 2 है और एक है, इन दोनों को सम कर लीजिए, 2 + 1 = 3, तो 3 से डिजिबल है, तो ये संख्या भी डिजिबल हो जाएगी यानी कट जाएगी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 7, 2, 3, 4, अब इनके अंकों को योग कर लेते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा ये 3 से डिजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों कर लेते हैं, जैसे 4, 3, 7 यानी 4, 3, 7, 2, 9 और 9, 7 आपका 16, 16 क्या कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों, ये 16 नहीं कटेगा, इसलिए ये डिजिबल नहीं होगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि 8, 3 आपका 4, 5, इसके बारे में बात यदि हम करें तो इन्हें फिर से आप क्या करेंगे, इन्हें सम कर लीजिए, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20, और यदि दोस्तों यहाँ आप 9 कर देंगे तो आसानी से आप ये डिजिबल हो जाएंगे, फिर से आप यहाँ जोड़ लेंगे 5, 4, 9, 9, 3, 12,
12, 9, 21, तो इसका आया 21, तो इसे 3 से डिजिबल हो जाएगी, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिजिबल होगी। यानी इन सभी संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, तब पता करेंगे कि यदि योग 3 से डिजिबल है तो वो पूरी संख्या डिजिबल हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आगे बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर नहीं होगी और ये आपका सही हो जाएगी। इसके बाद 4 पर बात कर लेते हैं कि 4 के डिजिबलिटी रूल क्या होते हैं। तो यदि 4 की बात करें, यहाँ लिख लेते हैं 4 के डिजिबलिटी रूल। यदि हम 4 को लिखें, 4 के डिजिबलिटी रूल के बारे में बात करें, तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे संख्या के अंतिम, संख्या के अंतिम अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को विभाजित विभाजित कर लेते हैं या करके देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, कोई भी संख्या लेंगे तो उसके लास्ट के आपके जो टू अंक होंगे, जो टू डिजिट से लास्ट बने होंगे, जैसे 7616, तो ये जो आपके दोस्तों ये दो अंक के लास्ट के दो अंक के बने हैं, तो इसे उठा लेंगे, इसको लेके यहाँ लिखेंगे 16 और बटे 4 करेंगे, तो आप पता है कि 16 कट जाएगा 4 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ले लेते हैं 8 3 2 7 4 6। अब यहाँ पे 4 6 को हम ले लेंगे, ये देखते हैं 4 6 क्या 4 से कटेगी, काट के देख लेते हैं। 4 4 1 4 और आपका 0 बचा 6, 4 1 4, तो ये 4 से नहीं पूरा कट रहा, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से डिजिबल नहीं होगी। और संख्या की बात कर लेते हैं, जैसे 2 3 7 4 0, तो ये देख लेते हैं दो अंक, तो दो अंक देख लेते हैं 4 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी पूरी पूरी कट जाएंगी। और एक बात और दोस्तों, यदि किसी संख्या में 00 00 भी आ जाती हैं, तो वो 4 से विभाजित हो जाती है। आगे बात करेंगे 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में। दोस्तों आगे कर लेंगे 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में बात कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं 5। तो 5 के लिए बहुत ही आसान है, या तो 00 हो, अंत 0 हो, 5 हो, या सिंगल 0 हो, 00 हो, ये सब क्या होंगे, 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित संख्या हो जाएगी। जैसे कि 25 है ना, अंत में 5 है, 20 या 200, तो अंत में 00 या सिंगल 0 है, तो ये भी विभाजित है। तो ये इस तरह से ये आसान होता है। इसके बाद बात कर लेंगे 6 के बारे में, 6 से कौन कौन सी संख्या डिजिबल होती हैं, 6 से कौन 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 सी संख्या डिजिबल होती हैं। ऐसी संख्याएं दोस्तों, कैसी, ऐसी संख्याएं जो 2 × 3 यानी 2 और 3 से विभाजित हों, वो क्या होंगी, 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों 2 और 3 क्या होता है, 6 का मल्टीपल होता है, इसलिए यदि 2 से और 3 से कोई संख्या विभाजित होगी तो वो क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 6 3 7 6, तो ये देखते हैं कि 2 से, तो यहाँ पर देख लिया 2 से विभाजित होगी। अब 3 से बात करें तो इनका योग कर लेंगे, 7 और 6 आपका हो जाएगा 13 13 3 16, 16 6 22 22 आएगा, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इसकी जगह यदि हम दोस्तों 5 कर लेते हैं, तब देख लेते हैं, यानी संख्या बनती है हमारी 5 3 7 6, इन्हें देख लेते हैं, ये 2 से तो विभाजित है दोस्तों, ये 6 हमने देख लिया। अब 3 से विभाजित देखने के लिए क्या करेंगे, हम इन सब का योग कर लेंगे, 7 और 6 यानी 6 और 7 हो गया 13 13 3 16, 16 5 21, 16 5 21 हो जाएगा, और ये 3 से डिजिबल होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 6 से डिजिबल हो जाएगी। ये दोस्तों 6 का नियम काम कर जाता है। इसके बाद 7 हम देख लेते हैं, 7 को हम देख लेते हैं, 7 का बहुत ही थोड़ा सा अलग ट्रिक है दोस्तों, तो उसको अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। 7 को लिखकर बात कर लेते हैं कि 7 के डिजिबल रूट क्या होते हैं। यदि हम 7 लेंगे, तो 7 को क्या करेंगे कि अंतिम अंक में माइनस दो से गुणा करके बाकी संख्या में से संख्या से घटा
घटाकर 7 से काटें या विभाजित करें। समझ लेते हैं दोस्तों, अभी समझ नहीं आएगा, उदाहरण लेकर के हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण लेंगे, जैसे कि लिखा है 2, 8, एक यह छोटी सी संख्या है। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे, -2 की गुणा कर लेंगे, या इसे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 7 चौक 28। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि ये डिविजिबल है। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 9, 8, 7, 9, 8, 7, ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है। तो क्या करना है दोस्तों, जो ये इकाई का अंक है इसमें क्या करनी है, -2 की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 7 × 2 = 14, तो माइनस का 14 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो ये बचे हैं, ये वाला, इसको नहीं छोड़ना दोस्तों, इसे छेड़ना नहीं है, इसको इकाई वाले अंक को ये लिख लेना है और इसको घटा देना है, 9, 8 को लिख करके इसमें से 14 को घटा देना है। तो ये देखिए 8 में से 4 के 4 और 9 में से 11, कितना बचा दोस्तों, आपका बचा 8, ये बटे 84। तो 84 को यदि हम काट के देख लेते हैं 7 से, 7 एकम 7 और 7 1 बचा 4 7 2 14, तो ये संख्या यहाँ पे डिजिबल होगी। तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिजिबल हो जाएगी दोस्तों। एक उदाहरण और ले लेंगे यदि नहीं समझ में आया, जैसे कि ले लेते हैं 8, 7, 6, 3। अब क्या करेंगे, इससे यदि हम देखना चाहें कि 7 से डिजिबल है, 7 से डिजिबल है या नहीं है डिजिबल, तो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इस वाले अंक में -2 की गुणा कर देंगे, तो 2 × 3 = 6 आ गया माइनस का, और इसमें से ये वाला जो बच्चा है, ये वाली संख्या, इसमें से 6 को घटा देंगे। तो यहाँ -6 को हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगी 0 और यहाँ पे बचेगा 7 और ये बचेगा आपका 8, 7। दोस्तों अभी अगर बड़ी संख्या लग रही है तो फिर इसमें -2 की गुणा कर देंगे और फिर ये आएगा 0 और ये 0 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, 7। इससे यदि हम 7 से भाग देंगे तो ये आपको दिख रहा होगा ये डिजिबल नहीं होगी, 7 एकम 7 = 1 उतार लिया 7, तो ये डिजिबल नहीं है। तो ये इसलिए पूरी की पूरी संख्या डिजिबल नहीं है। यदि ये संख्या 7 से इस तरह से गुणा करने के बाद बार बार गुणा करते रहेंगे दोस्तों, तब तक संख्या छोटी ना हो जाए और हम आसानी से 7 से उसे डिजिबल ना कर लें, तब तक इसमें गुणा करते रहेंगे। तो इसके बाद 8 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 8 की यदि बात कर लेते हैं दोस्तों, लिख लेंगे 8 के विभाज्यता के नियम। तो 8 में क्या करेंगे, यदि 3 अंकों की संख्या बनी हुई है तो उसे लास्ट के 3 अंकों की संख्या हम देख लेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम की बात कर लेते हैं, 8 से विभाज्यता के नियम की बात कर लेते हैं कि इसमें बताया गया है कि दोस्तों या तो अंत में 3 0 हों, संख्या के अंत में 3 0 हों, या 3 अंकों को, अंतिम 3 अंकों को विभाजित कर लेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, मान के चलो लिखा है हमारा 7, 3, 1, 2, 3। यदि हम इसे विभाजित करना चाहें तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 अंक देख लेंगे। तो ये क्या बताया गया है कि यदि लास्ट में 3 अंक 0 हैं तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। वो आप करके भी देख सकते हैं, देखिए दोस्तों करके देखते हैं, 8, 8 9 72 बचा कितना, 1, 8 एकम 8 = 2, 8 × 2 = 16 बचे 4 और 8 × 5 = 40। तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी कट चुकी है दोस्तों। अब नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं, जैसे कि लिखे 8, 3, 7 आपका 2, 1, 6। तो ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें क्या करेंगे कि लास्ट के सिर्फ 3 अंकों को लेंगे और इसे 8 से विभाजित करके देख लेंगे। तो अलग लिख के देख लेते हैं दोस्तों, 216। यदि हम 8 से इसे डिजिबल करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 × 3 = 8, 2 × 2 = 16, 8 ज़्यादा हो जाएगा, हाँ तो 8 × 2 = 16 के बाद आपका बचेगा दोस्तों 4 और 5 = 5 और 8 × 7 = 56। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी से यहाँ के 3 डिजिट आपके 8 से कट चुके हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिजिबल हो जाएगी दोस्तों। आसान है, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 9 से डिजिबिलिटी के रूल की बात करें। 9 से कर लेते हैं, 9 से डिजिबिलिटी के रूल बात कर लेते हैं। तो 9 से का भी वही नियम है जैसे कि 3 का नियम था, कि इसमें भी क्या करेंगे, संख्याओं का योग कर लेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या है, यानी संख्याओं
के अंकों का योग करके, अंकों का योग करके इसमें भी इस तरह से जांच कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों लिख लेते हैं 7, 2, 1, तो ये संख्या हमें देखने के 9 से डिजिबल है या नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, संख्याओं का योग कर लेंगे। 2 रेख 3, 3 और 7 आपका कितना हो जाएगा, या हो जाएगा 10, 10 9 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं 7, 2, 9, 0, ये देख लेते हैं क्या 9 से विभाजित है, तो फिर से क्या करेंगे वही रूल अपना लेंगे। तो 0 और 9, 9, 9, 2, 11, 11 और 7 कितना आपके 18, और 18 क्या होता है 9 से डिजिबल होता है, तो ये संख्या पूरी पूरी डिजिबल हो जाएगी 9 से। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि 9 से बात करेंगे तो 9 से भी अंकों का योग करके डिजिबल बना लेंगे। तो दोस्तों ये रही डिजिबलिटी की बात, कल जो बात करेंगे हम दोस्तों 11, 12, 13 या 15 या 17 इस तरह की संख्याओं से डिजिबलिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।